उसके बाद देखिए कि प्रोपल्सिव मूवमेंट ऑफ इंटेस्टाइन अफेक्टेड एंड ड्यू टू लेन ऑफ ऑर्बेक्स। ऑर्बेक्स को मायंटेरिक भी कहते हैं, याद रखें, जबकि एक मीजनर्स होता है, ठीक है ना। मीजनर्स जो होता है ना वो खाली मैं हूँ कहता है, मीजनर्स मैं हूँ खाली, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम पहले TSV 515 में कर चुके हैं, ठीक है ना। तो मीजनर कहता है मैं हूँ कहता है, बस मानुस थे रानुस खाली, जबकि माई और ए और ये दोनों एक ही ना एक ही चीज़ के दो नाम है, मायंटेरिक और ऑर्बेक्स आर सेम इन द वन थिंग, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखें कि जो मेन क्लास एसोसिएटेड विद एपीसीज MHC2, ठीक है। अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन ट्रू इज 6 से 8 मीटर लॉन्ग होती है, ठीक है। लाइजोसोम्स है सिक्रीशंस अगेंस्ट बैक्टीरियल आयरन है, ठीक है ना। लाइजोसोम्स हाइड्रोलेजिस होते हैं इनके में, ठीक है ना, बिकॉज दे कंटेन हाइड्रोलेजिस, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अब ऑफन आस्क, रिमेंबर द स्टेम टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू। द क्वेश्चन इज इन सलाइवा व्हाट प्रिवेंट्स आयरन यूटिलाइजेशन बाय बैक्टीरिया। तो ये लैक्टोफेरिन है, ठीक है ना, लैक्टोफेरिन, जबकि जो हाइड्रोलेजिस होते हैं ना लाइजोम में होते हैं, और ये अगेंस्ट बैक्टीरियल आयरन काम करते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है कि पोस्ट साइनेप्टिक सिंपैथेटिक मेनली सिक्रेट नॉर एपिनेफ्रीन, ठीक है ना। डेफिनेटली पोस्ट साइनेप्टिक नॉर एपिनेफ्रीन सिक्रेट करेंगे, ठीक है ना। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इस पेज पे हमने इसको बार बार पढ़ा है। यहाँ पे देखिए एक ऑटोनॉमिक सिस्टम है जिसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक एडिड है, ठीक है ना। उसी तरह नंबर दो पे सोमेटिक सिस्टम है। पहले सोमेटिक क्लियर कर लेते हैं। देखिए कि सोमेटिक सिस्टम में देखो वॉलंटरी मोटर नर्व जो आ रही है ये कोलिनर्जिक है, ठीक है ना, कोलिनर्जिक है। ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आ रही है, स्केलेटल मसल, सोमेटिक मतलब मोटर, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि जो पैरासिम्पैथेटिक में आपको पता है कि प्री गैंग्लियनिक भी एस्टाइल कोलिनर्जिक है और पोस्ट गैंग्लियनिक भी एस्टाइल कोलिनर्जिक है, ठीक है। एस्टाइल कोलिन है यानी कि कोलिनर्जिक बोलते हैं, एसिटाइल कोलिनर्जिक नहीं बोलते, अच्छा ना, ऐसे ही मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह अच्छा जो थोरेको लुम्बर आउटफ्लो में देखते हैं, सारे के सारे प्री गैंग्लियनिक जो हैं, देखें ये सारे के सारे सिंपैथेटिक गैंग्लिया हैं, सारे के सारे प्री गैंग्लियनिक भी एस्टाइल कोलिन के हैं सिक्रेट करते हैं, ठीक है। सारे के सारे पोस्ट गैंग्लियनिक एस्टाइल कोलिन सिक्रेट नहीं करते, लेकिन फ्यू सिक्रेट करते हैं एस्टाइल कोलिन सिंपैथेटिक सिस्टम में। कौन से? फॉर एग्जांपल स्वेट ग्लैंड इज अ बिग एक्सेप्शन, इनके ये जो है ना स्वेट ग्लैंड एक सिंपैथेटिक एक्ट है, याद रखें, ठीक है ना। तो ये देखें यहाँ से प्री पोस्ट गैंग्लियनिक आता है और आके हालांकि सिंपैथेटिक है लेकिन फिर भी एस्टाइल कोलिन यहाँ पे सिक्रेट कर रहा है, ठीक है ना। ठीक है, इसी तरह देखें कि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन नज़र आएगा, डोपामिन भी नज़र आता है लेकिन नॉरएपिनेफ्रिन नज़र आएगा आपको, ठीक है ना। अच्छा एपिनेफ्रिन भी आपको कम कम नज़र आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो है ना आपने देखनी है, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह एड्रिनल मेडुला को जो जा रही है ना, ये देखें वो भी कोलिनर्जिक है। फिर एड्रिनल मेडुला से आपको पता है नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन रिलीज होता है, कैटिकोला एमाइन ट्रांसमिशन होती है ब्लड में, ठीक है ना, ठीक है ना। अब ये इसकी उसमें क्या कहता है कि पेल्विक स्प्लेनिक नर्व्स एंड S234 एंड, यानी कि ये जो S234 है, एंड 3, 7, 9 और 10 आर पार्ट ऑफ पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई 3, 7, 9, 10 ये सारे हमने पढ़े हैं बार बार। दूसरी बात क्या कहता है कि एड्रिनल मेडुला इज डायरेक्टली इनर्वेटेड बाय प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, जो कि एस्टाइल कोलिन सिक्रेट कर रहे हैं। ये देखें प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं ये, जहाँ पे एस्टाइल कोलिन सिक्रेट हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी तरह स्वेट ग्लैंड्स आर पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम, याद रखें, लेकिन आर इनर्वेटेड बाई कोलिनर्जिक फाइबर्स, एक्सेप्शन है ये, याद रखें। ये देखें स्वेट ग्लैंड आर पार्ट ऑफ द सिंपैथेटिक सिस्टम, ये देखें, लेकिन दे आर स्टिमुलेट इनर्वेटेड बाई कोलिनर्जिक फाइबर्स। ये देखें यहाँ भी एस्टाइल कोलिन सिक्रेट हो रहा है, एस्टाइल स्क्रीन यहाँ भी सिक्रेट हो रहा है, ठीक है ना। प्री एंड पोस्ट दोनों में स्वेट ग्लैंड में एस्टाइल कोलिन सिक्रेट हो रहा है, एस्टाइल कोलिन, स्वेट ग्लैंड इज एन एक्सेप्शन, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा स्वेट ग्लैंड इज एन एक्सेप्शन है, रिमेंबर, ठीक है। यहाँ भी देखें एस्टाइल कोलिन, यहाँ भी ऐसे एस्टाइल कोलिन सिक्रेट होगा स्वेट ग्लैंड में, ठीक है ना। तो अब इसी के बारे में हमारे जो नोट्स हैं वो मैं आपको एक एक करके पढ़ के बताता हूँ। याद रखें क्या कहता है, ऑल द न्यूरॉन्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द CNS, ठीक है ना, आर कोलिनर्जिक। ये देखें ऑल द न्यूरॉन्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द CNS आल कोलिनर्जिक, सिंपथेटिक हो, पैरासिंपथेटिक हो, सोमेटिक हो, ये देखें सारे के सारे कोलिनर्जिक हैं, ठीक है। ये देखें सोमेटिक भी इवन कोलिनर्जिक है। दूसरा रूल क्या है हमारा, दूसरा रूल है ऑल द प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स टू द सिंपथेटिक गैंग्लिया आर कोलिनर्जिक, ठीक है ना। क्या कहता है, ऑल द प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स टू द सिंपथेटिक गैंग्लिया आर कोलिनर्जिक, ठीक है ना। ये देखें अगर सिंपथेटिक गैंग्लिया देखें तो डेफिनेटली T5 से लेके L3 तक होगा ना, थोरेको लुम्बर आउटफ्लो। ये देखें हमारे ये सिंपथेटिक गैंग्लिया है, ऑल द प्री गैंग्लियन न्यूरॉन्स टू द सिंपथेटिक गैंग्लिया आर, ये देखें कोलिनर्जिक,
ये दूसरा रूल हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या कहता है कि ऑल द प्री गेंगलियर न्यूरॉन्स फॉर द पैरासिम्पैथेटिक गेंगलिया आर कोलिनर्जिक, डेफिनेटली पैरासिम्पैथेटिक तो कोलिनर्जिक होंगे ही होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें ऑल द प्री गेंगलियर न्यूरॉन्स फॉर पैरासिम्पैथेटिक गेंगलिया, ठीक है, ये देखें आर कोलिनर्जिक कहता है, ठीक है। सब के सब जो भी मतलब कहने का ये है कि ऑल द न्यूरॉन्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द सीनस आर कोलिनर्जिक, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, ऑल द फाइबर्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द सी एन एस एंड आर इनर्वेटिंग न्यूरोमास्कुलर जंक्शन आर ऑल्सो कोलिनर्जिक, ठीक है ना। ये देखें आर देखें ये देखें सोमेटिक में न्यूरोमास्कुलर जंक्शन को क्या कौन कर रहा है, ये देखें आर ऑल्सो कोलिनर्जिक, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पेज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड याद रखें, ऑल द न्यूरॉन्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द सी एन एस आर मोटर न्यूरॉन्स एंड ऑल द न्यूरॉन्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द सी एन एस आर कोलिनर्जिक। बहुत बड़े बड़े रूल्स मैंने आपको बताया, ठीक है ना। ऑल द न्यूरॉन्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द सी एन एस आर मोटर न्यूरॉन्स एंड ऑल द न्यूरॉन्स विच आर कमिंग आउट ऑफ द सी एन एस आर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स। यहाँ पे आपको कोई भी नॉरएपिनेफ्रिन वाला या सिंपथेटिक वो जो है ना एपिनेफ्रिन वाला रिलीज करने वाला नजर नहीं आएगा, दे आर कोलिनर्जिक फाइबर्स, ठीक है ना, सही है, ठीक है ना। तो स्वेट ग्लैंड इज एन एक्सेप्शन, याद रखें स्वेट ग्लैंड में देखें हालांकि सिंपैथेटिक है पूरा सिस्टम, लेकिन इसमें एस्टेरिकोलिन रिलीज हो रहा है, एस्टेरिकोलिन रिलीज हो रहा है। तो कोई एक लड़का कहता है कि स्वेट ग्लैंड इज एन एक्सेप्शन, ओके, तो अगला बंदा क्या कहता है, सच्ची सच्ची मतलब SACHI सच्ची एस्टेरिकोलिन, इधर हर तरफ एस्टेरिकोलिन है, और उसके बाद सिंपैथेटिक, हालांकि सिंपैथेटिक है स्वेट ग्लैंड लेकिन एस्टेरिकोलिन सिक्रेट हो रहा है, ठीक है, ये निमोनिक है इसका, ठीक है, ठीक है ना। इसी तरह जो हमारा एमसीक्यू है पोस्ट साइनेप्टिक सिंपैथेटिक फाइबर होती है ना, ये देखें पोस्ट साइनेप्टिक जो पोस्ट साइनेप्टिक सिंपैथेटिक जो फाइबर है वो सिक्रीट करती है नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है ना, ये हमारा साइनेप्स हो गया, इसका पोस्ट साइनेप्टिक नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट करती है। लेकिन एड्रिनल मेडुला में जो जो होती है ना, जो फाइबर्स हमारे जाते हैं एड्रिनल मेडुला को जब करते हैं ना स्टिमुलेट, तो ये हमारा नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन यहाँ पे स्टिमुलेट करता है ब्लड में, ये ब्लड में से रिलीज करता है एड्रिनल मेडुला, ठीक है ना। तो ये आपने याद रखना है, नॉर्मली ये जो हमारा एमसीक्यू है ना पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर हमेशा नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज करती है, ठीक ठीक है ना। इसी तरह याद रखें कि पोस्ट साइनेप्टिक जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं ये डोपामिन भी सिक्रीट कर सकती है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है ना। ये देखें अगर आप करीब से देखें तो यहाँ पे पोस्ट साइनेप्टिक जो सिंपैथेटिक फाइबर है ये नॉरएपिनेफ्रिन सिक्रीट कर रही है, यहाँ पे स्मूथ मसल ग्लैंड सेल्स नर्व टर्मिनल्स कार्डियक मसल ETC, लेकिन अब थोड़ा सा नीचे तक रीनल वेस्कुलेचर और स्मूथ मसल में ये पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक फाइबर डोपामिन सिक्रीट कर रही है। करीब से देखें तो ये देखें ये डी आपको नजर आ रहा है, ये रीनल वेस्कुलेचर और स्मूथ मसल में। इसी तरह ये देखें यहाँ पे एड्रिनल मेडुला में एस्टेरिकोलिन आके लगता है, फिर रिलीज होता है ब्लड में क्या नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन, वो फिर आके फर्दर उसमें आके वो करते हैं, ठीक है ना। आपको पोस्ट साइनेप्टिक फाइबर में एपिनेफ्रिन आपको नजर नहीं आएगा, अलबत्ता ब्लड में एड्रिनल मेडुला से ब्लड में जाता है ये रिलीज होकर, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रू अबाउट वर्टिब्रल कॉलम इज सर्वाइकल नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम अबव द करस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा, मतलब T5 है तो सर्वाइकल नर्व ऊपर से ऐसे निकलती है, T4 है तो सर्वाइकल नर्व ऊपर साइड से ऐसे निकलती है, एक्सेप्ट C8, ठीक है ना। C8 देखें C8 जो है C8 जो है सर्वाइकल नर्व विच इज बिलो C7 एंड ऑल स्पाइनल नर्व्स ऑल्सो ओरिजिनेट बिलो द कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रा, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना, याद रखें कि जो सर्वाइकल नर्व्स है ना, सर्वाइकल नर्व्स ये ओरिजिनेट कहाँ से करती हैं, ये वो स्पाइनल नर्व्स हैं जो सर्वाइकल वर्टिब्रा के लेवल से स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, याद रखें। हालांकि सर्वाइकल वर्टिब्री सिर्फ 7 है, C7 तक आपने कभी भी C8 पर सर्वाइकल वर्टिब्री नहीं सुना होगा, लेकिन आपने C8 स्पाइनल नर्व जरूर सुना होगा, फॉर एग्जांपल इन ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है ना, C8 T1 तक जाती है ब्रेकियल प्लेक्सस, ठीक है ना। तो होता यह है कि हमारे पास सर्वाइकल नर्व्स 8 हैं, लेकिन हमारे पास सर्वाइकल जो वर्टिब्री है ना वो 7 हैं, ठीक है ना। तो ठीक है ना, क्या कहा मैंने कि सर्वाइकल जो वर्टिब्री 7 है जबकि सर्वाइकल नर्व्स 8 हैं, ठीक है ना, याद रखें। 8 सर्वाइकल नर्व वैसे याद रखें, C1 हो गया, C2 हो गया, C3 हो गया, C4 हो गया, ठीक है ना। ये जो है ना, ये इसके इनके जो एंटीरियर रेमाई है ना, एंटीरियर रेमाई ऑफ C1 to C4, इनको ये क्या बनाते हैं, ये सर्वाइकल प्लेक्सस बनाते हैं, ठीक है ना, सर्वाइकल प्लेक्सस बनाते हैं, इनको मैं क्या कहता हूँ, चारवाइकल प्लेक्सस, ठीक है ना, चारवाइकल प्लेक्सस, क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 मिला मिलके चारवाइकल प्लेक्सस। लेकिन C5 से आ गई ना, C5 C6 C7 C8 एंड T1 तक ये फिर ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना, ये ब्रेकियल प्लेक्सस बनाते हैं।
ठीक है ना। तो जब यहाँ से हम रिपीट पे पहुँचेंगे ना, रिपीट पे है तो खंडेलवाल आई ओ को नौ को हन्ना ओ आन यार बते दे फोट फतों रिपीट कर आनवा दस ओवर चौके होम शुड बी ऑन शो। नेक्स्ट है हमारे पास जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है मीन एंड इट्स स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इज अफेक्टेड बाय प्रीवेलेंस ऑफ द डिजीज। ठीक है, रिमेंबर PPP पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू इज अफेक्टेड बाय प्रीवेलेंस ऑफ द डिजीज। ठीक है, ठीक है 262 पे ये देखें कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है ना, ये देखें ये होता क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल। बेसिकली एक इंटरवल है या फिर इसको एक अब एक रेंज है ये। ठीक है ना, एक ये एक ऐसा रेंज है कि जो होता है ना किसी भी ऑब्जर्वेशनल डेटा को के स्टेटिस्टिक्स को देखते हुए एक ऐसा रेंज बताया जाता है। ठीक है ना, कि विद इन विच के जिसके अंदर ट्रू मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है ना, यानी कि वो जो वो फॉर एग्जांपल धमाल मूवी में क्या होता है, धमाल मूवी में वो माधव बताता नहीं है वो डिस्टेंस ब्रिज के ऊपर, ठीक है ना, 30-35 फुट के, तो ये एक रेंज बताता है। इसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है कि भाई जो रियल वैल्यू होगी ना वो इधर ही फॉल करेगा इसके और इसके बीच में। ठीक है, इसीलिए इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। यानी कि ये एक रेंज ऑफ वैल्यूज होती है जिसके अंदर ट्रू मीन ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू क्या फॉल। ठीक है ना, विद ए स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी ऑल्सो। ठीक है ना, विद ए स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी जो ट्रू मीन इज एक्सपेक्टेड टू फॉल। ठीक है ना, ठीक है ना, तो ये है मीन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन। ठीक है ना, ठीक है ना, तो होता क्या है कि ये देखें, ये सबसे पहले याद रखें कॉन्फिडेंस इंटरवल इज रेंज ऑफ वैल्यूज़। ठीक है ना, रेंज ऑफ वैल्यूज़ है ये। ठीक है ना, और रेंज ऑफ वैल्यूज़ है तो होता क्या है कि फिर इसमें क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी होती है स्पेसिफिक, इनके एक प्रोबेबिलिटी होती है, इसको ऐसे ये रेंज दी जाती है एक प्रोबेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए, स्पेसिफाइड प्रोबेबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए ये रेंज दी जाती है कि एक्चुअल जो पैरामीटर्स है ना वो लाए कर सकते हैं विद इन दिस रेंज। ठीक है ना, तो वही जो माधव ने जब बताया कि भाई 30 से 35 फुट का पुल है तो इतने रफ्तार से हम छलांग मारेंगे, गाड़ी लेके जाएंगे तो या वहाँ तक क्रॉस करेंगे। ठीक है ना, तो 30 से 35 इसमें प्रोबेबिलिटी थी उसकी, इसी रेंज में उसकी एक्चुअल वैल्यू लाई करेगी। अच्छा, इसी तरह जिस तरह रफ्तार में उसने वेलोसिटी बताई थी कि 10 से 15 माइल्स पर सेकंड, तो इसी रेंज में उसकी प्रोबेबिलिटी थी कि एक्चुअल वैल्यू इसी उसमें लाई करेगी। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है ना, तो माधव से का आपको क्या याद है, एम फॉर माधव, माधव के कॉन्फिडेंस से आपको याद आएगा कि कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है, एम से फिर आपको याद आएगा मीन, और उसके बाद में स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन इज नाउन एज, ये सारा का सारा क्या है कॉन्फिडेंस इंटरवल। ठीक है ना, बस धमाल मूवी को सामने रख के आपने याद रखना। इसी तरह इसे ये पढ़ते हैं कि इन स्टेटिस्टिक्स अ कॉन्फिडेंस इंटरवल इज अ टाइप ऑफ इस्टीमेट, यानी कि रेंज वही बात है, कंप्यूटेड फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जर्व्ड डेटा। दिस प्रोपोज अ रेंज ऑफ प्लॉजिबल वैल्यूज फॉर एन अननोन पैरामीटर। ठीक है ना, द इंटरवल हैज एन एसोसिएटेड कॉन्फिडेंस इन लेवल दैट द ट्रू पैरामीटर इज इन द प्रोपोज्ड रेंज, यानी कि द ट्रू पैरामीटर जो होगा ना वो इसी रेंज के बीच में आएगा कहीं ना कहीं। ठीक है ना, तो इसको कॉन्फिडेंस इंटरवल कहते हैं। ठीक है ना, उसके बाद तो ये हो गया कॉन्फिडेंस इंटरवल और पीपी पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू। इन पीपीटी इन ड्यूरेशन यू विल फाइंड टी सेल्स, इन पीपीटी इन ड्यूरेशन, पीपीटी की जो इन ड्यूरेशन होती है ना उसमें आपको टी सेल्स नजर आएंगे। इफ टी सेल्स एंड मैक्रोफेजेस आर प्रेजेंट इन ऑप्शन देन प्रेफर दैट। ठीक है ना, तो पीपीडी जो होती है ना ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ठीक है ना, ठीक है ना, देखिए टाइप 4 जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है ना, ये इसमें ये सेल मीडिएटेड होती है। ठीक है ना, इसमें एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती। ठीक है ना, याद रखें, और बाकी तीनों में एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है। सही है ना, तो ये अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि इसमें ये जो MCQ है, जो पहले वाले MCQs हैं ये हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, पहले कौन कौन से MCQs हैं। ठीक है ना, एक तो ये है कि ये देखें TB एंटीबॉडी These are cell bound, ठीक है ना, सेल बाउंड होते हैं टीवी के एंटीबॉडीज। ठीक है, एक ये MCQ है। ठीक है ना, दूसरा है कि कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन रिजेक्शन द सेल्स इन्वॉल्व आर टी सेल्स। ठीक है ना, तो CD8 साइटोटॉक्सिक टी सेल्स जो होते हैं ना रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजन को। ठीक है ना,
एंटीजन को ये रिकॉग्नाइज करते हैं इन एसोसिएशन विद क्लास वन MHC, ठीक है ना, और प्रोटीन्स, और उसके बाद किल करते हैं वायरस इन्फेक्टेड सेल्स को, न्यूप्लास्टिक सेल्स को एंड डोनर ग्राफ्ट सेल्स को, ठीक है, वाया क्या, रिलीज ऑफ परफोरिन्स ग्रेंजाइम्स, ठीक है ना, वाइल इन क्रोनिक रिजेक्शन CD4 टी सेल्स आर इन्वॉल्व्ड एज स्टेटेड, पैथोजेनेसिस ऑफ क्रोनिक रिजेक्शन मोस्ट लाइकली ड्यू टू क्रोनिक डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन इन्वॉल्विंग CD4 टी सेल्स, ठीक है ना, तो ये आपने याद रखना है दूसरा एमसीक्यू, ठीक है ना, तो याद रखें चारोनिक रिजेक्शन जो होती है ना CD4 टी सेल्स की वजह से है, ठीक है ना, तो ये एमसीक्यू भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखें कि दो मैकेनिज्म्स होते हैं टाइप 4 के, ठीक है ना, ईच इन्वॉल्विंग टी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं दोनों के दोनों में, ठीक है, याद रखें इसका रिस्पॉन्स डज नॉट इन्वॉल्व एंटीबॉडीज बल्कि टी सेल्स इन्वॉल्व करता है, सेल मीडिएटेड है ये, ठीक है, ठीक है ना, अनलाइक टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3, ठीक है ना। एक तो होती है डायरेक्ट सेल टाइप साइटोटॉक्सिसिटी, हमने कहा था ना CD8 सेल जो है ना वो MHC1 के साथ बना के, अभी जो MCQ में हमने MHC1 के साथ है, ठीक है, MCQ में भी हमने पढ़ा था, ठीक है, ठीक है ना। फिर क्या होता है जब CD8 पॉजिटिव MHC1 के साथ ये मिलता है, एसोसिएट होता है, तो ये फिर क्या करता है, टारगेट सेल्स जो ट्यूमर सेल्स हों, जो क्या कहते हैं उसको ट्रांसप्लांट सेल्स हों, ये उनको मारता है, ठीक है, ठीक है ना। ये देखे ना CD8 सेल्स रिकॉग्नाइजेस एंटीजन इन एसोसिएशन विद MHC1, ठीक है ना, MHC1 के साथ फिर क्या करता है, किल करता है वायरस इन्फेक्टेड न्यूप्लास्टिक एंड डोनर ग्राफ्ट सेल्स को, ठीक है ना। तो जो दूसरी एग्जाम्पल क्या है, दूसरी है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, इसमें CD4 सेल्स इन एक्शन आ जाते हैं और ये MHC2 का रोल होगा इस जगह में एसोसिएशन, ठीक है, टी सेल्स रिकॉग्नाइज करते हैं एंटीजेंस को, ठीक है ना, एंटीजेंस को, और इसमें इन्फ्लेमेटरी जो साइटोकाइंस है वो रिलीज करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें ATM याद रखें, ठीक है ना, ATM, ठीक है ना, याद रखें ATM, ए से एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ये देखें प्रेजेंट कर रहे हैं एंटीजन, ठीक है, और सेंसिटाइज्ड, यहाँ से टी से फिर टी सेल्स, ठीक है, ये सेंसिटाइज्ड TUH1 सेल्स, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे एम से एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस, सही है ना, ठीक है ना, ये ATM याद रखना, ATM एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एंटीजन प्रेजेंट करता है टी सेल को, टी सेल फिर रिलीज करता है साइटोकाइंस, ठीक है ना, और ये फिर मैक्रोफेजेस आर एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है एम से, ठीक है ना, तो ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है ना, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल्स क्या हैं, कंटैक्ट डर्माटाइटिस देखें आप, उसके बाद फॉर एग्जांपल विद किस किस किसके साथ कंटैक्ट, फॉर एग्जांपल पॉइजन आईवी हो गया, निकल एलर्जी हो गया, ठीक है, इसी तरह जो ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज भी इसमें आता है, ठीक है, इसको कैसे समराइज करेंगे, नंबर 1 टचिंग और ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, नंबर टचिंग में फिर पॉइजन आईवी और निकल एलर्जी, ठीक है, फिर साथ में ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद देखें कि PPD हो गया, TB इन्फेक्शन हो गया, क्योंकि ये टेस्ट हैं, ठीक है, PPD, TB इन्फेक्शन, पेज टेस्ट फॉर कंटैक्ट डर्माटाइटिस, इसी तरह कैंडिडा स्किन टेस्ट, ये सारे टेस्ट हैं, ठीक है, सही है ना। उसके बाद देखें 4 T's याद रखें, 4 T's कौन कौन से 4 T's हैं, करीब से पहले टेस्ट भी देख लें, PPD हो गया, TB इन्फेक्शन हो गया, कैंडिडा स्किन टेस्ट हो गया, पेज टेस्ट फॉर कैंडिडा कंटैक्ट डर्माटाइटिस हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 4 T's कौन से, टी सेल्स याद रखें इसमें टाइप 4 में, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन याद रखें, अच्छा, उसके बाद TB स्किन टेस्ट याद रखें, और टचिंग कंटैक्ट डर्माटाइटिस याद रखें, ठीक है ना, ये निमोनिक के 40, इसी तरह निमोनिक हमने और क्या बनाया था, जो 212 एंड पॉइजन परफ्यूम्स लास्ट लॉन्गर, ठीक है ना, 212 एंड पॉइजन आर ये दो क्या है, ट्यू परफ्यूम्स है ना, 212 तो हमने यूज़ किया हुआ है, पॉइजन हमने यूज़ नहीं किया लेकिन बहुत मशहूर है ये भी, तो 212 से मतलब 2 से टी सेल इन्वॉल्वमेंट, टी इसी तरह अगले टी से TB स्किन टेस्ट, ट्रांसप्लांट रिजेक्शन नॉट हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट, हाइपर एक्यूट ट्रांसप्लांट रिजेक्शन इस टाइप 2 याद रखें, ठीक है। उसके बाद पॉइजन से पॉइजन आईवी कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस, इसी तरह परफ्यूम से PPD फॉर TB इन्फेक्शन, लास्ट लॉन्गर से डिलेड जो है ना हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है ना, तो ठीक है ना, ये निमोनिक याद रखें, 212 एंड पॉइजन आईवी परफ्यूम्स लास्ट लॉन्गर, ठीक है। तो ये था टाइप 4, अब हम डिटेल से टाइप 4 पढ़ेंगे, ठीक है ना।